नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है दिशा एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर। एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है UPPCS के द्वारा, जो अभ्यर्थियों ने फॉर्म को ऑनलाइन के जो वैकेंसी DHO की आई थी भाई, ठीक है, DHO की जो पोस्ट आई थी उसमें परीक्षार्थियों ने जो आवेदन किया है, तो उसमें लगभग 8,500 अभ्यर्थियों ने आवेदन में जो है गलती की है आवेदन करने में, ठीक है। गलती क्या है? फ़ोटो एवं हस्ताक्षर का त्रुटिपूर्ण मिलान है, फ़ोटो और हस्ताक्षर का जो है सही से मिलान ना किया गया है और आवेदन को कर दिया गया, तो ये बहुत बड़ी गलती है। 8 फरवरी तक संशोधन करने का मौका यहाँ पे मिल रहा है, तो जिन्होंने भी गलती की सभी लोग चेक कर लें और 8 फरवरी तक अपना करेक्शन करवा लें, ठीक है। बात की जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विभिन्न भर्तियों के लिए 4 अलग विज्ञापनों के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में 8,725 ने आवेदन में गलती कर दी है। तो 8,725 अभ्यर्थियों ने आवेदन में गलती की है, किसी ने फोटो सही तरीके से नहीं लगाई तो किसी ने हस्ताक्षर में गड़बड़ी की है, ठीक है। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को सूची अपनी वेबसाइट कर दी है, तो सभी लोग करेक्शन करवा सकते हैं 8 फरवरी तक। 564 के लिए पोस्ट आई थी, ठीक है, और राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता के 1473 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों ने भी फोटो एवं हस्ताक्षर में गड़बड़ी की। 1400 जो राजकीय प्रवक्ता के आए थे उसमें भी लोगों ने गलती की है, ठीक है। तो उसको भी आप जो राजकीय महाविद्यालयों में लेक्चरार के पद थे उन्होंने भी फोटो और हस्ताक्षर में गड़बड़ी की है, तो वो भी सही करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अन्य कोई विज्ञापन के तहत प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में 19 BSU में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों समेत अन्य विभागों कुल 328 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, ठीक भाई। तो यहाँ पे जो UPPCS के कैंडिडेट हैं और जो राजकीय महाविद्यालय में लेक्चरार के जो कैंडिडेट हैं, दोनों लोगों कैंडिडेट ये अपना आवेदन में जो गलती हुई उसको करेक्शन करवा सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.